तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे? आई होप आप सारे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट यूट्यूब कम्युनिटी को लेकर, तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे द यकुजिरोशिमा राइडर के बारे में। तो दोस्तों, आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि कुछ दिन पहले जो है पूरे सीजन के लिए लगा हुआ नॉमिनेट कट हटा दिया गया था, उसके बदले जो है नेल भट्ट को दे दिया गया था, जिसके वो भी विक्की भैया के कहने। तो दोस्तों, विक्की भैया को कल बिग बॉस ने कल या परसों के एपिसोड में विक्की भैया को कन्वर्सेशन रूम पर बुलाता है और पूछता है कि आप नेल भट्ट की जगह इसको नॉमिनेट करना चाहोगे फिर से? तो दोस्तों, वहाँ पर विक्की भैया बोलते हैं अनुराग दोबाल का फिर से नाम ले लेते हैं। इसी चीज पर एंग्री रिएक्ट करते हुए द यकुजिरोशिमा राइडर के भाई कलमिंग ने क्या बोला, आप लोग खुद ही देख लीजिए। अंकिता की जगह किसका नाम ले? अनुराग का नाम ही होना चाहिए था ऑब्वियस कारण की वजह से। तो अगर मुझे चेंज करने मिलेगा तो मैं अनुराग का नाम डाल दूंगा। वापस अंडर द बस। और उनका काउंटर ऑफर ये था कि विक्की भैया नील की सजा हटाकर वापस अनुराग को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट करना चाहते थे। बट मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी विक्की भाई आपसे कि आप ये मेरे को तीसरी बारी करोगे। हाँ जी ब्रोसेना, सो कल का एपिसोड आप लोगों ने सब ने देखा होगा। एंड कल ना मेरे को कल या परसों का एपिसोड था, दो एपिसोड ऐसे है ना जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा था अनुराग के लिए, आपके अपने बाबू भैया के लिए। जब कल ना विक्की भैया को कन्फेशन रूम में बुलाया गया था, कल या परसों वाले एपिसोड में जब पूछा गया था आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हो, तो विक्की भैया ना बाहर तो ऐसा दिखाते हैं कि अनुराग 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 अनुराग, क्योंकि देखो उन्हें पता है अनुराग की फार फैन फॉलोइंग क्या है, तो अनुराग को उधर रखते हैं। और जब उन्हें मौका मिला ना अनुराग को ही धकेल दो, तो उन्होंने अनुराग को ही धकेल दिया। दैट वॉज रॉन्ग विक्की भैया, क्योंकि देखो इफ समवन इज ट्रस्टिंग यू ना, प्लीज अंकिता को भी बात पता लग गई थी, अंकिता इसलिए बाद में अनुराग को समझा रही थी। सेकंड बात ये रही, कन्फेशन के बाद जैसे टास्क आता है वापस आप अनुराग बाबा करने लग जाते हो, दैट इज रॉन्ग। कल खानजादी और ऐश्वर्या की भी लड़ाई भी जहां पे आए आपके बाबू भैया वाज लाइक मत बोला कर दूसरों के बीच में, क्योंकि बाबू भैया भी ना पहले वो कर रहे थे थोड़ा दूसरों के बीच में, थोड़ा सा बोलते थे ना आप लोग बुरे बन जाते हो, सो प्लीज डोंट डू दैट। एंड विक्की भैया दर्द हुआ भाई जो भी आपने करा, बट ठीक है शायद आप लोगों को भाइयों की और वर्ड्स की उतनी कीमत नहीं रहती होगी, बट वी आर हियर स्टिल, सो मच लव। आप जो भी उसको थोड़ा बहुत समझाते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इसके ऊपर आप लोगों को क्या ओपिनियन नीचे कमेंट कर देना। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये अपडेट आ रही राजा डीसी से रिलेटेड। तो दोस्तों, आप लोग अगर राजा डीसी को डेली बेसिस पर फॉलो करते होंगे तो आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि उनके सेकंड लास्ट व्लॉग में उन्होंने जेपी व्लॉग अनफेजर अनफील्ड को पोक किया था, जो कि वो बंदे जो है अपने बाइक पर अपने फॉलोअर का नाम दिखाते हैं जिन्होंने उन्हें फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर राजा डीसी ने उनको फिर से पोक किया, तो इसी चीज पर रिएक्ट करते हुए राजा डीसी ने क्या बोला आप लोग खुद ही देख लीजिए। फॉलोअर नाम लिखवाना है लिखवा दूंगा। बहुत सारे बंदे रो भी रहे होंगे भाई, भाई किसी को रोस्ट नहीं किया, टेंशन दिया करो भाई, हम आपस में मौज मस्ती करते रहते हैं, बहुत सारे बंदे अपने ऊपर बातें ले लेते हैं। तो दोस्तों, राजा डीसी ने फिर से आमिर मालजी को पोक कर दिया। तो दोस्तों, आप लोग अगर राजा डीसी एंड आमिर मालजी को बहुत दिन से फॉलो करते होंगे तो आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि कुछ दिन पहले आमिर मालजी और राजा डीसी के बीच रेस हुआ था, जिस पर जो है राजा डीसी विन हुआ था, जिस पर उन्हें घोड़ा का ट्रॉफी मिला था और हारा हुआ गधा का ट्रॉफी। इसी चीज पर जो राजा डीसी रिएक्ट करते हुए आमिर मालजी को पोक कर दिया, तो वो क्लिप आप लोग देख लीजिए। याद है जब तेरी रेस हो गई थी एक दिन, वही एक रेस हुई थी घोड़ा और गधा के बीच में, और उसमें ये ट्रॉफी आई थी इसको। हाँ, ये मैंने अपने ऑफिस में रखा जब घोड़े और गधे की रेस लगी थी, ये घोड़ा भाई जीता था, ये घोड़ा जीता था। हाँ, और गधा गधा ही है, घोड़ा एक बाइक थी इसकी, और गधा वो अभी भी है हमारे पास, सबसे बड़ी है वो, आप उधर सब्सक्राइबर्स को बताया, और ये ट्रॉफी है उस चीज की। सही बात है, गधे देख ले। तो दोस्तों, इसके ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बता देना मेरे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये अपडेट की निकल के आ रही है जानू स्टैंड से रिलेटेड। तो दोस्तों, आप लोग अगर जानू स्टैंड को फॉलो करते होते उनके सेकंड लास्ट व्लॉग में बोला था कि वो J1000 लेने वाले हैं, और ये बाइक सेम जो है आमिर मालजीद के पास भी थी, जो है आमिर मालजीद के फैन बोल रहे थे कि आप लोग आमिर मालजीद को देखकर S1000 RR भी लिया था और उनका डायग्राम कॉपी कर रहे हो। तो इसी चीज का रिप्लाई करते हुए जानू स्टैंड ने क्या बोला आप लोग खुद ही देख लीजिए। और भाई मुझे पहले पता नहीं था वो बाइक क्या है, किसकी है, क्या नहीं है, तो भाई मैं Z200 ही लूंगा, ठीक है, उसका तो कोई था नहीं। उसके बाद भाई हम आ गए थे घूमने। दोस्तों, आज की छोटी सी अपडेट आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखना।